गढ़वा जिला के चिनिया प्रखंड के बड़वाजी ग्राम पंचायत के मुखिया सर झामुमो के युवा जिला अध्यक्ष नितेश सिंह के ऊपर लगातार .com के द्वारा चैनल पर चलाए गया एक झोपड़ी में रहते थे दबंग मुखिया जनता के पैसों से ठोस दिया 2 मंजिला मकान, जिसको लेकर उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए मुखिया नितेश सिंह के द्वारा बताया कि मैं खुद एक रंका राज का स्टेटस परिवार से बिलोंग करता हूँ, और रही बात महल की तो इससे अच्छी महल मुझे पहले से ही विरासत में मिली है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि मेरे दबंगों के द्वारा मेरे पिछले कई सालों में मेरा भंडारा जला दिया था, उसके बाद हम लोग एक रंका अपने परिवार विरासत में महल में रहने चले गए, वहां पर ही रहना प्रारंभ किया। परंतु क्या मतलब 2010 में जब पंचायती चुनाव हुई तो उस चुनाव में मैंने पिताजी का बीबीसी बताया का है। कैंडिडेट पर पर्चा भरा और यहां भी जीतने के बाद फिर से ओ बरवाडीह ग्राम पंचायत का मुखिया भी बना और ग्राम झोपड़ी में पंचायत रहकर में है, सेवा करना प्रारंभ अरे किया। मेरे पास कोई आइडिया ग्रामीणों नहीं के था द्वारा कि कहा गया कि आप हम इतना लोग को विकास छोड़कर किया यहां है, से नहीं जाइए, इतना जिसको गरीब लेकर लोगों का ग्रामीणों की ही राय पर पेट भर उन्हीं रहे के हैं, मांग पर एक इतने छोटा मोटा गरीब घर हैं, का निर्माण किया, चपरे परंतु अभी घर, मैं खाने झोपड़ी का में ही घर, रहकर अपने पानी का परिवार के घर, साथ गुजर बसर कर हर रहा तरह की हूं। सेवा, चाहे इलाज कराने के लिए गढ़वा की जरूरत हो, रांची जाना पड़े, हर जगह इनकी मदद है। और इस सेवा को देख करके सारे विरोधी लोग घबरा गए हैं, और यहाँ भाजपा वर्सेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का बीच का जो लड़ाई है, विरोधी का मतलब विरोधी जो इनसे मैंने जलते हैं, जैसे कि हमारे गढ़वा के जो भी हारे हुए विधायक जी हैं सदरनाथ तिवारी, उनका आदमी लोग कुछ हैं, स्वयं वो भी इसमें राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उस तरह कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग पूरे बरवाडी इनसे खुश हैं, सारे लोग खुश हैं, इसका रिजल्ट अभी पंचायत चुनाव होने वाला है, देखने को मिलेगा। बाकी सारा आरोप जो है गलत है, और अभी जो न्यूज में चल रहा है कि झोंपड़ी और 2 मंजिला की बात है, तो झोंपड़ी में रहकर हम लोगों को काफी सेवा किए हैं, और जहां तक मंजिला की बात है तो मंजिला तो इनको विरासत में मिला है रंकागढ़। अभी आपके पंचायत के मुखिया पर जी बहुत तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जी जी उस पर आपका क्या कहना है? सर, आरोप तो लगाए जा रहे हैं लेकिन ये आरोप सब गलत हैं। जैसे मंदीप जी अभी बताया कि हमारे पंचायत के मुखिया श्री नितेश सिंह जी जो काम किए, विकास किए, और हमारे बरवाड़ी पंचायत की जनता इनके क्रियाकलाप से सब खुश हैं, बहुत खुश हैं। अगर विकास देखना है तो आप आए हैं, चलिए हमारे साथ, हम अपने गांव में विकास दिखाते हैं। हर जगह कल है, हर घर में नल है, और गली गली रोड बन रहा है, कुआं हुआ, सिंचाई का व्यवस्था किया गया है। हाँ, और जहाँ तक बात रही तो आरोप का, तो ये कोई नहीं बताया कि हमारे पंचायत में अभी बरवाड़ी के गांव में, हमारा गांव में जो भंडारे के आयोजन किया गया, पंडाल बनाया गया, ये सब कोई नहीं दिखाया। लेकिन छोटी मोटी बात जो थोड़ा सा पॉइंट निकल जाता है उसको लेकर के लोग बहुत बड़ा सवाल पैदा कर देते हैं। तो हम लोग सब बरवाड़ी की जनता मुखिया जी के क्रियाकलाप से सब खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। धन्यवाद। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लो चंद्रवंशी हुआ, कहाँ घर है? बरवाड़ी। बताइए, आप मुखिया जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम मुखिया जी के बारे में यही कहना चाहते हैं, इनका जो भी कार्यकाल है सब बहुत बढ़िया है। इन पर जो भी आरोप लगाया गया है वो इसमें कोई इनका आधार इन, मतलब कोई इनका अथी नहीं है। सब यहाँ पर 9 दिन भंडारा भी हुआ, उनका कोई गुण गाने वाला नहीं है। ये नंबर गलती क्या हो गया कि इनका सब पूरा उछाल रहे हैं। 9 दिन जो भंडारा का कार्यक्रम हुआ, लाखों आदमी, हजारों आदमी यहाँ पर खाना खाए, बहुत बढ़िया। मुखिया जी को कह रहे हैं, ये सब निराधार है। यहाँ हर जनता, हर व्यक्ति को मुखिया जी सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, इसलिए हम मुखिया जी के बारे में समर्थन देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीरज पासवान। धन्यवाद। कहाँ? बरवाडी। थैंक यू। अभी आपके ऊपर जो लगातार .com में चल रहा है उस पर क्या कहना है आपका? उसमें यही कहना है कि लगातार .com जो लोग भी चला रहे होंगे उनको यह जानकारी नहीं होगी हमारे विषय में कि हम रंकाराज परिवार से बिलोंग करते हैं, और लगातार .com में आया है कि मुखिया जी झोपड़ी से 2 मंजिला महल ठोक दिए। तो हमारा बरवाडी में रंका इस्टेट का बहुत बड़ा भंडार था,
जहाँ पर आज ओपी स्थापित है बरवाड़ी में, और पहले 1984-85 में यहाँ के कुछ दबंगों के द्वारा मेरा भंडार को जला दिया गया था और सारा जमीन को यहाँ से लूट लिया गया था। हम लोग रंका में रहते थे अपने महल में, और विरासत में हमको महल मिला हुआ है। जब हम 2010 से पंचायत चुनाव लड़े तो यहाँ पर रहने के लिए कोई घर नहीं था, और हम झोपड़ी में रह के जनता का सेवा यहाँ से किए, और दिन रात लगातार आज 10 साल से हम जनता का सेवा, शादी हो, ब्याह हो, मरनी हो, भोज हो, योजना हो धरातल पर उतारने का, झारखंड में सबसे ज़्यादा काम बरवाड़ी पंचायत में हमने किया, और हर टोला में, हर घर में चापाकल, हर खेत में कूप निर्माण देखने का चीज़ है, हर गली में रोड बनाने का काम किया। यहाँ के जनता के हर दुख सुख में हम दिन रात एक रहते हैं, और लगातार .com में जैसा कि आया कि इनके परिवार में BPL धारी लोग हैं, तो हम उस BPL को मेरे मम्मी के नाम से था जो हमको जानकारी हुई, और जब हम लोगों ने ये दबंग के द्वारा यहाँ जमीन लूट लिया गया था, भंडार को जला दिया गया था, तो वाकई में हम लोग गरीबी रेखा में थे और BPL था, जिसको हमने आज के 2 महीना पहले ही यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को लेटर लिख के और उसको डिलीट करवाने का काम किया ताकि किसी गरीब का कल्याण हो जाए। और रहा सवाल डीप बोर का लगातार .com में कि डीप बोर अपने पिता के खेत में लगवा दिए हैं, तो डीप बोर का स्थल हम सार्वजनिक रूप से दान कर चुके हैं, और यहाँ का जनता पानी कहीं नहीं मिलता था, दूर दूर ढोड़ा के लोग पानी पीते थे, आज हम दिन रात जनरेटर में डीजल डाल के जब लाइन नहीं था तो यहाँ के जनता को पानी पुराते थे, और आज भी सारे लोग वहाँ से ही पानी पीते हैं हमारे गाँव के लोग। लेकिन पूर्व विधायक के द्वारा यह सब कारनामा किया जा रहा है, हमारे लोकप्रियता से वह बका गए हैं, बस यही हम कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से।